के साथ। पूर्वांचल चुनावी समर का केंद्र बनने जा रहा है। सभी पार्टियां अपने जाति विशेष नेताओं के सहयोग से उनके जातियों को अपनी ओर जोड़ने के प्रयत्न में लग गए हैं। चूंकि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों का कुछ ज्यादा ही इस ओर ध्यान है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने के लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने वाराणसी में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से मंगलवार को प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और उनके विकास को लेकर कचहरी के समीप स्थित रामाश्रय वाटिका में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सदस्य सतीश चंद मिश्र मुख्य अतिथि थे। अपने उद्बोधन में श्री मिश्र ने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि सारे ब्राह्मणों को एकजुट होना चाहिए। वर्तमान सरकार से न डरते हुए इसके कृत्यों को आमजन के बीच में रखना है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे के बीच समाज की भलाई के लिए काम किया है। हम लोग परशुराम के वंशज हैं और सदैव बुराइयों को दूर करने का कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मण सबसे ज्यादा उपेक्षित है। ब्राह्मणों का यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान किया है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। श्री मिश्र ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। कानपुर में एक कांड हो गया तो प्रदेश भर के ब्राह्मण अकारण ही भाजपा सरकार के निशाने पर आ गए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि मनमाना शासन चल रहा है। अब समय आ गया है कि ब्राह्मण समाज धर्म के नाम पर काशी और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने वालों से सावधान हो जाए। ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की जरूरत है। सतीश मिश्र ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ लूटती है और छलती है। ये लोग साल 1990 से रामलला के मंदिर के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे थे। एक साल पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और आज तक वहां मंदिर का कोई ठोस काम नहीं हो सका। देश भर के ब्राह्मणों ने मना किया था कि भूमि पूजन का मुहूर्त ठीक नहीं है, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इसके बाद फिर भाजपा ने साल भर में 10 करोड़ रुपए जुटा लिए। अब यह लोग यह नहीं बता पा रहे हैं कि देश भर से जुटाए गए हजारों करोड़ रुपए का क्या होगा। हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो किसी के बहकाने में नहीं आते हैं। वो उनको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको सही तथ्य बताने का काम किया है। जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थितियाँ चल रही है, इसको क्या लेते हैं, किस तरह से, क्या इसमें फेलियर मानते हैं या क्या मानते हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, टोटल फेलियर है। और प्रदेश की सरकार में जिस तरह से आज गुंडा राज, माफिया राज और कोई भी विकास के नाम पे जीरो हो रहा है, तो उससे ज्यादा बड़ा फेलियर और क्या होगा? अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्या कहेंगे? सतीश जी, ब्राह्मणों की बात हो रही है, क्या आप सिर्फ ब्राह्मण की बात बसपा करेगी, दलितों की बात नहीं होगी? देखिए, आपने शायद सुना नहीं, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो। उस समय हमने ब्राह्मण समाज, दलित समाज, सर्व समाज, हर समाज की बात की है। और हमारी पार्टी जो है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है और हम लोग भी सबकी बात करते हैं। और बहन मायती जी ने जब भी सरकार बनाई है, सर्व समाज की सरकार बनाई है और सबको ले करके सबको एक साथ चलें। इसीलिए बहन मायती जी, जब सरकार होती है तो कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं। ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे ने भी समस्त ब्राह्मणों को एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर कौशिक पांडे, महेंद्र पांडे, देवव्रत शर्मा, विजय प्रताप, नवीन भारत, पप्पू सिंह, रिजवान अहमद, मेराज फारूकी जुकुन, मोहन राजभर, शमीम आजमी, अब बाकर आदि लोग उपस्थित रहे। इसके पूर्व श्री मिश्र ने श्री काशी विश्वनाथ व माता अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी पार्टी के जीत की कामना की। सच के साथ।